हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री ट्यूशन फॉर किड्स। फ्रेंड्स, आज का ईवीएस का टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ बॉडी पार्ट्स। आप ये जानते ही हैं कि बॉडी पार्ट्स हमारे किस किस काम आते हैं, है ना? तो आज हम उनके बारे में जानते हैं कि वो हमारे किस किस काम आते हैं और वो क्या क्या यूज होता है उनका। ठीक है, बॉडी पार्ट्स लाइक अ माउथ, नोज, ईयर, लिप्स। ठीक है, हम उनके बारे में जानेंगे आज। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैव डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैव डिफरेंट यूजेस। पता है ना आपको कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट, उनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं। लाइक यूजेस ऑफ माउथ एंड नोज। माउथ एंड नोज का क्या यूज है? माउथ इज यूज्ड फॉर ईटिंग, बाइटिंग एंड स्पीकिंग। किस काम आता है वो? ईटिंग के, बाइटिंग के एंड स्पीकिंग के। नोज इज यूज्ड फॉर स्मेलिंग, स्नीजिंग एंड ब्रीथिंग। है ना बच्चों, पता है ना आपको ये बात कि नोज हमारे किस यूज होती है? स्मेलिंग करने के, स्नीजिंग करने के और ब्रीथिंग करने के। देखो जैसे यहाँ पे पता चल रहा है आपको, स्मेलिंग, स्नीजिंग एंड ब्रीथिंग हुआ साथ साथ लर्न। अब आपको अब है यूज ऑफ बैक। बैक का क्या यूज है? ठीक है, बैक का क्या यूज है? द बैक इज यूज फॉर रेस्टिंग, लाइंग डाउन एंड स्लीपिंग। ठीक है, The back is also used for carrying loads. ये देखो, resting, resting के काम आता है, sleeping के और carrying loads। देखो back हमारा हो रहा है ना, carrying कर रहा है ना, carry load को। कुछ भी आपने देखा कुली है या और भी जो आपके labor class लोग होते हैं, इस तरह से carry करते हैं ना, तो back is used also for carrying loads. Next, uses of hands and arms. Hands and arms are used for touching, holding and lifting things. ठीक है, touch करना, देखो जैसे हम touch करते हैं, hold करते हैं, कोई चीज को पकड़ते हैं, और lift करना, किसी भी चीज को उठाना, lift करना। ठीक है, they are also used for pushing, pulling and hitting. और किस काम आते हैं hands हमारे? Pushing के काम, pulling के काम and hitting के काम। अब We also use hands and arms for eating, working and playing. और किस काम आते हैं? पता है ना आपको, eating करने के, खाने के काम आते हैं, कुछ काम करना होता है, हमें लिखना होता है या और कोई काम करना होता है, working के काम आते हैं और playing के काम। देखा, hands का तो बहुत ज़्यादा use होता है, बिना hand के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना बच्चों? अब next है हमारा uses of feet and legs. अब हमारा feet and legs are used for standing. फीट किस काम आते हैं? लेग्स किस काम आती है? स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग। दे आर ऑल्सो यूज फॉर किकिंग एंड जम्पिंग। ठीक है, देखो बच्चों, इन पिक्चर्स से आपको सारा जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिए। स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, किकिंग एंड जम्पिंग। अब नेक्स्ट है हमारा यूजेज ऑफ स्किन। अब स्किन का क्या क्या यूज है? स्किन इज यूज टू फील द टच ऑफ थिंग्स। लास्ट हमने चैप्टर में हमने सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे, उसमें हमारा स्किन है, नोज है, टंग है, सब आया था ना बच्चों, आईज है, सब कुछ आया था। तो अब हमारा क्या है? यूजेज ऑफ स्किन। स्किन इज यूज टू फील द टच ऑफ थिंग्स। टच टेल्स अस इफ अ थिंग इज हार्ड और सॉफ्ट, हॉट और कोल्ड। हमें क्या पता चलता है इससे? कि हमारी जो चीज है, टच करने से हमें ये पता चलता है कि वो ज्यादा हार्ड है, सॉफ्ट है, हॉट है या कोल्ड है, हमें इन चीजों का पता चलता है। देखिए पिक्चर्स में आपको पता चल रहा है, जैसे ये थिंग क्या है? हार्ड है, सॉफ्ट है फ्लावर्स, ठीक है, हॉट है कोई भी चीज, आग वगैरह, देखो ये सामने हमें से पता चल रहा है, फील हो रहा है ना, एंड कोल्ड। तो आर बॉडी इज वंडरफुल मशीन। हमारी बॉडी क्या है? एक बहुत ही वंडरफुल मशीन है। ईच बॉडी पार्ट हैज अ रोल टू परफॉर्म। क्या करते हैं सारे बॉडी पार्ट्स हमारे? जो हर बॉडी पार्ट होता है अलग अलग रोल प्ले करता है, पता है ना बच्चों? वी कैन एंजॉय लाइफ ओनली इफ आर बॉडी पार्ट्स वर्क वेल। ठीक है, वी कैन एंजॉय लाइफ ओनली इफ आवर बॉडी पार्ट्स वर्क वेल। हमारा बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे होते हैं तो हमारी लाइफ भी बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं हम अपनी लाइफ में, है ना? अब हम कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर लेते हैं। नेम, अब आपको ये एक्सरसाइज करके रखनी है, ठीक है? नेम टू यूजेज ऑफ माउथ। अब क्या यूजेज होते हैं? आपने चैप्टर में रीड किया है, अब सर्च करिए क्या यूजेज है माउथ के। ईटिंग, बाइटिंग एंड स्पीकिंग।
पता चला ना बच्चों, हो गया ना कितना इजी आंसर। जब हम चैप्टर को थॉरली रीड करते हैं तो हमें आंसर भी इजीली फाइंड आउट हो जाते हैं। विच बॉडी पार्ट डू वी यूज फॉर स्मेलिंग एंड ब्रीथिंग, बताओ कौन सा है बॉडी पार्ट जो हमारा स्मेल करता है और ब्रीथ करता है, कौन सा होता है? अब आप इजीली बता सकते हैं चैप्टर में से कौन सा है। यस, नोज, यू आर राइट। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग तो। अब नेक्स्ट है, हाउ डू वी होल्ड थिंग्स, हम थिंग्स को कैसे होल्ड करते हैं, बता सकते हैं? यस, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। हैंड्स एंड आर्म्स आर यूज्ड फॉर टचिंग, होल्डिंग एंड लिफ्टिंग थिंग्स, है ना? किसके थ्रू हम करते हैं? हैंड्स एंड आर्म्स के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा, फिर से क्वेश्चन है हमारा, विच बॉडी पार्ट मेक्स अस फील अ हॉट और कोल्ड थिंग्स, कौन सा बॉडी पार्ट फील करता है कि ये चीज गर्म है या ठंडी है? सर्च करो, फाइंड आउट। यस, बिल्कुल ठीक पहचाना बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से लेसन को रीड किया है। तो स्किन इज यूज टू फील द टच ऑफ थिंग्स, क्या आएगा, कौन सा बॉडी पार्ट हमारा बताता है? स्किन, स्किन बताती है कि हमारा जो पार्ट्स है वो कौन बताता है, हॉट और कोल्ड है, स्किन। अब है नेम टू यूजेस ऑफ लेग्स एंड फीट, बताओ बच्चों क्या यूज है लेग्स एंड फीट का? वेरी गुड, ठीक फाइंड किया आपने। फीट एंड लेग्स आर यूज्ड फॉर स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग, तो टू थिंग्स बतानी है, तो हम वॉकिंग भी डाल सकते हैं, रनिंग भी डाल सकते हैं, स्टैंडिंग भी डाल सकते हैं, कुछ भी चीज डाल सकते हैं। ओके, तो देखा बच्चों आपने कि यूजेस ऑफ बॉडी पार्ट्स, आज इसके बारे में कुछ आपको पता चला। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि हमारे बॉडी पार्ट्स के क्या क्या यूज होते हैं और वो क्या क्या वर्क करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको इसको बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करना है इस चैप्टर को, क्योंकि ये आपका ईवीएस का चैप्टर है और ये बहुत यूज होता है। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में ही इसके कंसेप्ट को बहुत ज्यादा बताया जाता है, स्कूल में डिस्कस किया जाता है, तो आप इससे बिल्कुल थ्रू आउट हो जाना। ठीक है, बाय, थैंक यू।